प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राम की नगरी अयोध्या में जनसभा करेंगे। जानकारी के मुताबिक वो यहां करीब एक घंटा बिताएंगे। इसके अलावा वो लोकसभा क्षेत्र फैजाबाद, अंबेडकर नगर और कौशाम्बी में पार्टी उम्मीदवार के लिए पक्ष में समर्थन जुटाने की पूरी कोशिश करेंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सभा को संबोधित करते नजर आएंगे। और आज के इस बड़ी तस्वीर पर लगातार न्यूज नेशन की नजर बनी हुई है कि आखिर राम की नगरी से क्या संदेश देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हाँ, उसकी तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उससे पहले देखिए साधु संत भी तैयार हैं। दूसरी तरफ सुरक्षा के इंतजाम भी पुख्ता कर लिए गए हैं और रामलला के दर्शन लेकिन प्रधानमंत्री नहीं करने जा रहे हैं। अयोध्या जाएंगे, रैली को संबोधित करेंगे, लोगों से संवाद करेंगे, लेकिन रामलला के दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं जाएंगे। पीएम मोदी की रैली को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है। और मोहित राज दुबे की रिपोर्ट आप देखिए और समझिए कि किस तरह का ये उत्साह अयोध्या वासियों में नजर आ रहा है। देश की राजनीतिक धारा को बदलता है अयोध्या का मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा। इस वक्त हम अयोध्या में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार अयोध्या में आ रहे हैं, रैली को संबोधित करेंगे और तमाम वो पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है। इस वक्त देखिए कि शंख बजाते हुए नजर आ रहे हैं। ये शंखनाद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। देखना यही है कि जीत का ये शंखनाद है या किसी और चीज का। तमाम वो कार्यकर्ता खासतौर पर यहाँ पर आए हुए हैं जो मोदी के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। राम मंदिर बनेगा, न्यू मोदी जी आके रखेंगे, क्योंकि राज्यसभा में 2020 में हम पूर्ण बहुमत से आएंगे और पुनः प्रधानमंत्री प्रचंड जीत से प्रधानमंत्री बनेंगे। और राम मंदिर कोई मुद्दा थोड़ी है भाजपा का, भाजपा तो काम के बदौलत चुनाव जीतेगी। विकास मुद्दा है, हाँ विकास हमारा मुद्दा है। राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है भाजपा का, विकास हो रहा है, विकास के बल पे हम चुनाव जीतेंगे। जयराम यादव के साथ मोहित राजदूबे, न्यूज नेशन अयोध्या। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या आ रहे हैं लेकिन वो रामलला के दर्शन नहीं करेंगे। रैली स्तर से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज नेशन संवाददाता अनिल यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या जिले में एक रैली को संबोधित करेंगे। 2014 में भी प्रधानमंत्री यहां पर आए थे, तब इस जिले का नाम फैजाबाद था लेकिन अब अयोध्या हो गया है। तमाम पार्टी के वर्कर्स और मोदी समर्थक, बीजेपी समर्थक रैली में आना स्टार्ट हो गए हैं। बड़ी बात यह है कि लोगों को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जब अयोध्या आएंगे तो रामलला के दर्शन करने भी जाएंगे। रैली स्थल से रामलला सिर्फ 27 किलोमीटर दूर है लेकिन प्रधानमंत्री 2014 की तरह इस बार भी रामलला के दर्शन करने नहीं जाएंगे। हालांकि लोगों को उम्मीद अभी भी है कि शायद मंच से प्रधानमंत्री राम मंदिर और रामलला को लेकर कुछ बोले। हमारे साथ अयोध्या के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता जी हैं। सर क्या बताइए, आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो क्या लगता है कि कुछ अयोध्या को लेकर, रामलला को लेकर कुछ बोलेंगे? देखिए माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी, दोनों लोगों ने जब से सरकार बनी है लगातार अयोध्या का सौंदर्यीकरण, अयोध्या का विकास, अयोध्या का धार्मिक पौराणिक स्वरूप, अयोध्या के कुंडों का जीर्णोद्धार, अयोध्या के घाटों का विस्तारीकरण, अयोध्या का सौंदर्यीकरण, इसमें निरंतर काम चल रहा है। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद में अयोध्या में राम मंदिर बनना ही है, क्योंकि वहाँ मंदिर है और मंदिर रहेगा। और इस वक्त अयोध्या में हमारे तमाम संवाददाता मौजूद हैं जो हर पल का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, सारी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। एक बार मोहित राज दुबे की एक रिपोर्ट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के दौरे पे मेरे साथ अयोध्या के मेयर खुद खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। मेरे साथ पहला सवाल यही है कि सबकी नजर इस बात को लेकर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के दर्शन करेंगे कि नहीं करेंगे। देखिए मोदी जी का हमारे ध्येय वाक्य संकल्प से सिद्धि, और उनके मन का संकल्प है। वो अयोध्या बहुत पहले भी आए थे, चुनावी सभा में आते रहे हैं, और जो उनके मन का संकल्प है, हम सबका ऐसा विश्वास है अयोध्या वासियों का कि इस बार के घोषणा पत्र में मंदिर निर्माण का वो है, वह मोदी जी ही भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बनवाएंगे, ऐसा हम सबको विश्वास है। मंदिर बनवाने के बाद दर्शन करेंगे, आज दर्शन कर निर्माण प्रारंभ हो जाएगा, मोदी जी पहले आदमी होंगे जो दर्शन करेंगे। एक और है, अयोध्या का जो सियासी मिजाज है वो देश की मिजाज को तय करता है, क्या माना जाए कि इस चुनाव में भी अयोध्या एक बड़ा मुद्दा है? देखिए अयोध्या हमारा राजनीतिक मुद्दा नहीं रहा है, एक मुद्दा यह भी है, राम राज हमारा मुद्दा था और राम राज मोदी जी ने लाया है। हजारों करोड़ों लोगों को छत देकर जो राम राज की परिकल्पना थी
कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहुं व्यापा, ऐसी आयुष्मान सैकड़ों योजना लेकर गरीबों का कल्याण की योजना लाकर राम राज स्थापित किया है, यही मोदी जी की कल्पना है। और इस वक्त अयोध्या से हमारे दो सहयोगी सीधे जुड़ गए हैं, मोहित दुबे संवाददाता और साथ ही अनुराग दीक्षित भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मोहित मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि आप बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने बजे पहुंचने वाले हैं, क्या क्या कार्यक्रम है उनका, कितनी देर वो रुकने वाले हैं अयोध्या में। देखिए करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक घंटा अयोध्या रुकेंगे, ऐसा अब तक शेड्यूल बनाया गया है। 11 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोसाईगंज के मया बाजार के इसी प्रांगण में आएंगे और यहीं पर वो अयोध्या की जनता को संबोधित करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के दर्शन करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने अब तक शेड्यूल तय किया है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या रामलला के दर्शन करने नहीं जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का यह कहना है व्यस्त है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस वजह से नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार अयोध्या आ रहे हैं, खासतौर पर यही सबके खासतौर पर देश की निगाहें बनी हुई है कि वो यहाँ पर बोलते क्या है, वो जनता को जब संबोधित करते हैं तो उनकी आवाज में वो बात क्या होती है, क्योंकि ये माना जाता है कि देश की सियासी धारा चाहे खासतौर पर अयोध्या का राम मंदिर का मुद्दा करता है। तो ऐसे में आज देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते क्या जी। ठीक है मोहित, वापस लौटकर आपके पास आएंगे। अनुराग दीक्षित हमारे साथ है। अनुराग, आज जब अयोध्या प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, एक घंटे तक रहेंगे, रैली को संबोधित करेंगे, लोगों से संवाद करेंगे, अपनी बात लोगों तक पहुंचाएंगे, तो लोग आज अयोध्या में ये जरूर जानना चाह रहे होंगे कि अगर अयोध्या प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो रामलला के दर्शन करने क्यों नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल विद्या, लेकिन इसको लेकर अपनी अपनी दलीलें हैं। जहां विपक्ष ये सवाल खड़ा कर रहा है कि देखिए साहब, आप अयोध्या कस्बे से 20-25 किलोमीटर की दूरी पर एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं आ रहे हैं अयोध्या कस्बे में, आप नहीं हनुमानगढ़ी के दर्शन कर रहे हैं जहां राहुल गांधी भी पहुंच जाते हैं, जहां प्रियंका गांधी भी पहुंच जाती हैं, आप रामलला के दर्शन भी नहीं कर रहे हैं। तो ये विपक्ष का एक सवाल है, ये कहते हुए कि राम का मुद्दा सिर्फ चुनावी घोषणा पत्र, चुनावी रैलियों तक सीमित है भाजपा के। वहीं भाजपा की अपनी दलील है, भाजपा की दलील ये है कि चूंकि मामला सर्वोच्च अदालत में लंबित है, लिहाजा अगर देश के प्रधानमंत्री किसी जगह पर पहुंचते हैं तो उसका एक अलग संदेश जाता है। साथ ही साथ यहां पर जो अभी कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, वो ये कह रहे हैं कि अयोध्या में भी राम मंदिर से ज्यादा जो मुद्दा है वो अयोध्या के विकास का है, लिहाजा अयोध्या का विकास कैसे किया जाए ये बीते 5 सालों में केंद्र सरकार ने दिखाया है। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा लगातार बताते रहे कि अयोध्या के पूरे परिक्षेत्र के लिए, पूरे मंडल के लिए क्या कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं, तो अयोध्या की प्राथमिकता में सबसे ऊपर नजर आता है। तो अयोध्या का विकास किस तरीके से करना है और विकास के जरिए अयोध्या को कैसे पूरे देश के नक्शे पर लाना है, यह एक अलग तस्वीर है। क्योंकि अगर विद्या आप चुनावी घोषणा पत्र को भी देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के 2019 के, तो राष्ट्रवाद राष्ट्रीय सुरक्षा जहां घोषणा पत्र में 5वें नंबर पर है, वहां राम मंदिर का मुद्दा 15वें नंबर पर है। यह हर बार के चुनावी घोषणा पत्र की तस्वीर है। होता तो जरूर है लेकिन पीछे चला जाता है। कोर्ट का फैसला जब तक नहीं आएगा तब तक प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे। दूसरी बात यह कि प्रधानमंत्री तभी जाएंगे जब मंदिर बनने का ऐलान किया जाना होगा। दोनों ही बातें हैं आंशिक तौर पर विद्या। पहली बात तो ये कि चूंकि मामला अदालत में लंबित है, लिहाजा देश के प्रधानमंत्री का ऐसे जगह पर जाना एक अलग संदेश देता है, उसकी अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन होती है। वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह के साथ ये एक उम्मीद नजर आती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या जानबूझ कर नहीं आ रहे हैं, वो अयोध्या तभी आएंगे जब यहाँ पर राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हो जाएगा और एक भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। तो ये कार्यकर्ताओं की अपनी दलील है, लेकिन चूंकि मामला अदालत में लंबित है लिहाजा एक बाध्यता है जिसका निर्वाहन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां नजर आ रहे हैं। और अब से पहले भी अतीत को भी अगर आप देखें विद्या, तो पंडित नेहरू जब देश के प्रधानमंत्री थे 1949 में, उन्होंने चाहा था कि वो अयोध्या में आए, लेकिन कहा जाता है कि स्थानीय प्रशासन ने उनको अनुमति नहीं दी थी। इस बात को लेकर पंडित नेहरू काफी नाराज थे। इंदिरा गांधी अयोध्या आई हैं लेकिन तब वो विपक्ष की नेता थी। राजीव गांधी अयोध्या आए हैं लेकिन उन्होंने मंदिर का किसी का दर्शन नहीं किया था। हालांकि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जरूर हनुमानगढ़ी पहुंचे लेकिन रामलला के दर्शन उन्होंने भी नहीं किए। तो जो पिछले अब तक के प्रधानमंत्री रहे हैं उनकी भी अपनी कुछ बाध्यताएं रही हैं, उनकी भी अपनी कुछ मजबूरियां रही हैं, और वही झलक यहां पर नरेंद्र मोदी की अयोध्या रैली के दौरान भी नजर आती है। सबीना, बिल्कुल आपकी तरफ दोबारा से रुख करेंगे अनुराग, और मोहित आपकी तरफ भी रुख करेंगे क्योंकि वहां मौजूद जनसैलाब से हम चाहेंगे कि आप बातचीत करें और थोड़े सियासी समीकरण भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अयोध्या रैली पर क्या कुछ कहना है साधु संतों का, वो क्या सोचते हैं और किस नजरिए से देख रहे हैं, ये आपको सुनवाते हैं।
सुप्रीम कोर्ट को जल्द से जल्द निर्णय देना है, सुलह के माध्यम से दे चाहे नित्यप्रति सुनवाई करके दे, ये सुप्रीम कोर्ट मन बना चुका है। इसलिए इस कार्यक्रम में अपना सरकारी रैली करें, लेकिन राम जन्मभूमि पाने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि जब सुप्रीम कोर्ट में निर्णय आ जाएगा तो हम स्वयं राम जन्मभूमि के मुख्य पक्षकार होने के नाते जब जिसके हमारे पक्ष में आएगा जरूर, कहें कि राम लला के पक्ष में ही सारा निर्णय है। और राम लला के पक्ष में जब निर्णय आ जाएगा तो मोदी जी और योगी जी से बुला करके उसको उद्घाटन कराया जाएगा। यह जो अभी मोदी जी आ रहे हैं तो इलेक्शन के विषय में आ रहे हैं जी, राम जन्मभूमि के सब मसला सुप्रीम कोर्ट में फंसा है, आ रहे हैं यहाँ पर इस क्षेत्र में इलेक्शन के प्रचार प्रसार में आ रहे हैं अपने, और उनका इसका मतलब नहीं है कि आ रहे दर्शन करने आएगा। हमारे दो सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अनुराग दीक्षित हमारे साथ बने हैं, इसके अलावा मोहित दुबे भी हमारे साथ बने हुए हैं। मोहित, आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे, हम चाहेंगे पूरे सियासी समीकरण को समझाते हुए वहां मौजूद लोगों से आप बातचीत करें और जानने की कोशिश करें कि पीएम मोदी का 5 साल में पहली बार अयोध्या आना किस नजरिए से देख रहे हैं, कितना उत्साह है। बिल्कुल, देखिए मेरे साथ तो खुद एक बड़े महंत मौजूद है। सवाल देखिए, सवाल बड़ा सीधा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या बड़ा होता है, पूर्ण बहुमत में आएंगे इनका सरकार मोदी का, ये जितना महागठबंधन है कोई काम लायक नहीं है, सबसे बढ़िया ये मंत्री है, डर है तभी तो सब मिलेंगे महामंत्री की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो लगातार देखिए जिस तरीके से जो साधु संत हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और एक एक करके वो उनको यहाँ पर से आपकी तरफ रुख करेंगे। हमारे सहयोगी अनुराग भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुराग, थोड़ा सियासी समीकरण समझना चाहेंगे क्योंकि फैजाबाद लोकसभा सीट अयोध्या के तहत इसमें आता है, इसके जरिए माना जा रहा है कि पीएम मोदी का यहाँ पर आना बाकी आसपास की सीटों को भी साधने के लिहाज से बेहद खास है। जी अनुराग, एक चीज और बताइएगा कि अयोध्या पूरे देश का मुद्दा रहा है, आज से नहीं सालों से मुद्दा रहा है, तो आज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं तो पूरे देश में संदेश देने की क्या कोशिश है? संदेश देने की कोशिश यही विद्या कि अयोध्या हमारी प्राथमिकता में है, राम हमारे आस्था का विषय है, लगातार राम मंदिर के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो प्रयास है वो आगे भी बढ़ता रहेगा, मामला अदालत में लंबित है लिहाजा हमारी मजबूरी है। लेकिन जिस राजनीतिक समीकरण की बात सभी ना आप कर रही हैं, मैं आपको बताऊं कि 1957 में फैजाबाद संसदीय सीट पर पहला चुनाव हुआ था, तब से लेकर अब तक अगर स्थिति को समझे तो 6 बार ये सीट कांग्रेस के खाते में गई है जबकि 4 बार ये सीट बीजेपी के खाते में गई है। विनय कटियार यहां से लगातार कई बार सांसद चुने गए हैं, हालांकि वामपंथी भी यहां से सांसद चुने गए हैं, सपा और बसपा के नेता भी यहां से सांसद चुने गए हैं। लेकिन अगर 2014 के लोकसभा चुनाव को हम समझने की कोशिश करें तो लल्लू सिंह जो इस बार भी उम्मीदवार हैं बीजेपी के, उनको 491,000 के आसपास वोट मिली थी। अनुराग, सपा और बसपा और कांग्रेस तीनों राजनीतिक दलों को 2014 में जो बीजेपी की लहर दिखाई दी थी और राम के नाम से जिस तरीके से बीजेपी ने चुनाव प्रचार किए थे और उसके बाद उत्तर प्रदेश में खासतौर से अगर देखें तो बीजेपी ने सबसे बड़ी जीत हासिल की थी 2014 में, इस बार क्या राम होंगे और राम के नाम से बीजेपी को वोट भी मिलेगा या फिर जैसा कि वहां के कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं विकास के नाम पर हम वोट डालेंगे तो विकास के नाम पर वहां पर वोट डलेगा और बीजेपी एक बार फिर से ये सीट अपने नाम कर सकेगी क्या?